जोहार जमशेदपुर। इन जितुम दो हुयुग कना समीर मुर्मू और इन दोना झारखंड जमशेदपुर भगवान दत्तपुर नि कनेन और इन अडी रस्केन बुझेया जे जमशेदपुर रे खेलना मौका जामेया और जातिन के जमशेदपुर एफसी नि सपोर्टर्स मेना पे पूरा झारखंड नि जातिन के सपोर्टर्स मेना पे आपे मैच ने लेजु पे आले सपोर्ट ले पे जमशेदपुर एफसी सपोर्ट को पे जम के खेलो जमशेदपुर। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टार स्पॉर्ट्स एंड वी। सो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सबों के बीच हम लेकर आ रहे हैं एक और धमाकेदार फुटबॉल टूर्नामेंट का मैच हैंडबिल। जी हाँ दोस्तों, एक लाजवाब लकटकीय फुटबॉल प्रतियोगिता का हैंडबिल मैं लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट है रांची एरिया का फुटबॉल टूर्नामेंट है। चलिए इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, समीर मुर्मू के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चूँकि समीर मुर्मू की बात की जाए तो समीर मुर्मू जो है अब जमशेदपुर एफसी की ओर से दिखने वाले हैं। तो चलिए, तमाम चीज़ें आप सबों के बीच में साझा करने वाला हूं। तो चलिए, वीडियो के आगे तक बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टूर्नामेंट के बारे में। जी हाँ, एक बेहतरीन फुटबॉल प्रतियोगिता आप सबों के लिए। और ये जो खुशखबरी दे रहा है दोस्तों, रांची एरिया में, जी हाँ दोस्तों, रांची एरिया के ये फुटबॉल प्रतियोगिता है। पांचवा मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट है। और ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों, निश्चित रूप से एक अच्छा फुटबॉल प्रतियोगिता है। और पुरस्कार की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है 3 लाख से ज़्यादा पुरस्कार मिलने वाला है। लगभग 4 लाख के करीब इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को प्राप्त होने वाली है। तो निश्चित रूप से दोस्तों कह सकते हैं कि एक विशाल फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट कब होगी। शुभारम्भ की बात करें तो यहाँ पर 8 सितम्बर 2024 से शुरू होकर 17 सितंबर 2024 तक चलेगी। यानी कि दोस्तों 8 सितंबर 2024 से ये फुटबॉल टूर्नामेंट प्रारंभ होगी। और दिन की बात करें रविवार से, और फाइनल का मुकाबला होगा 17/9/2024, यानी कि 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। तो चलिए एक नज़र हम लोग विस्तार से देखते हैं। अगर हम लोग बात करें इस टूर्नामेंट में प्रवेश शुल्क कितना है, तो यहाँ पे 23,500 रुपये रखा गया है। 23,500 रुपये रखा गया है प्रवेश शुल्क के तौर पर। और पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे पुरस्कार जो है काफ़ी भारी भरकम है। प्रथम पुरस्कार के तौर पर 2,21,000 रुपया, ये प्रथम पुरस्कार है दोस्तों। जी हाँ, प्रथम पुरस्कार 2,21,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 1,71,000 रुपया, और तृतीय और चतुर्थ स्थान की बात करें दो सेमीफाइनल टीम को 25,000 और 25,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। तो है ना दोस्तों, एक कमाल का फुटबॉल टूर्नामेंट, एक अच्छा यहाँ पे पुरस्कार रखा गया है। जी हाँ, प्रथम पुरस्कार 2,21,000, द्वितीय पुरस्कार 1,71,000, तृतीय और चतुर्थ स्थान के लिए 25,000 रुपया दिए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, 17 सितम्बर 2024 जो फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा, उसी के साथ साथ बालिका वर्ग का भी यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। जी हाँ, 17 सितंबर को बालिका वर्ग का भी टूर्नामेंट है। उसी के साथ साथ जो 8 सितंबर 2024 को जो लकटकिया फुटबॉल प्रतियोगिता शुभारंभ हुई थी, उसका फाइनल का मुकाबला भी खेला जाएगा 17 सितंबर को। और 17 सितंबर को बालिका वर्ग का भी टूर्नामेंट है। तो बालिका वर्ग के टूर्नामेंट की बात करें तो यहाँ पर प्रवेश शुल्क रखा है 4,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 4,000 रुपया प्रवेश शुल्क। और प्रथम पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे 35,000 रुपया, और द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो 25,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार बालिका वर्ग के लिए भी एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो आशा है दोस्तों, इस टूर्नामेंट में जाके आप अपना सहयोग के साथ साथ अपना इंजॉयमेंट ज़रूर करें, चूँकि यहाँ पर एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। जी हाँ, पांचवा मारांगोमेक गोम के जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट है। और स्थान की बात करें तो नया भूसूर स्कूल खेल मैदान, रिंग रोड, लाल खटंगा, रांची पर
ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आशा है रांची क्षेत्र में एक विशाल फुटबॉल प्रतियोगिता में हम सब को स्वागत कर रहा। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों समीर मुर्मू के बारे में। जी हाँ, एक आदिवासी लड़का जो संतोष ट्रॉफी में पूरा धमाल मचा दिया था और उसके बाद वो भारतीय टीम में उनको जगह मिली। अंडर 23 भारतीय टीम की ओर से प्रतिनिधित्व किया, फिर जो है जेपसी जो है कुछ और ही सोचा और उनको जो है आखिरकार जमशेदपुर एफसी क्लब ने उनको 2 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जेपसी में शामिल हुआ कुल्हान का समीर मुर्मू। चलिए रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने युवा व प्रतिभाशाली स्थानीय स्ट्राइकर समीर मुर्मू के साथ 2 वर्षों का करार किया। घाटशिला के पास भागा बांध गांव के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने गोल स्कोरिंग कौशल से प्रभावित करते हुए फुटबॉल सर्किट में पहले ही अपना नाम बना लिया है। 2023-24 संतोष ट्रॉफी में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला जहां उन्होंने सिर्फ 13 मैच में 10 गोल किया। वही कमाल का समीर मुर्मू का प्रदर्शन संतोष ट्रॉफी में जिसमें उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला और उन्होंने पहली बार भारतीय की अंडर 23 टीम में शामिल किया गया। कार्तिक व जोबा मुर्मू के घर जन्मे समीर का फुटबॉल के प्रति प्यार उनके बड़े भाई प्रकाश मुर्मू ने जगाया जिन्होंने उन्हें इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया। समीर ने टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से समर्थित फुटबॉल फीडर सेंटर से अपनी फुटबॉल को खेलना शुरू किया जहां उन्होंने कोच कानू मुर्मू के मार्गदर्शन में उन्होंने कौशल को निखारा। उनकी प्रतिभा और संपन्न ने उन्होंने जल्द ही आर्मी बॉयज हॉस्टल दानापुर बिहार रेजिमेंट में जगह दिला दी जहां उन्होंने कई टूर्नामेंट में बिहार और सेना दोनों को प्रतिनिधित्व किया। तो ये है समीर मुर्मू, एक आदिवासी लड़का जो कि भागा बांध के रहने वाले। ये समीर मुर्मू आखिरकार एक क्लब की टीम से दिखने वाले हैं एक अच्छा प्रदर्शन करने के बाद। अब कोल्हान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व महसूस कर रहे हैं समीर मुर्मू। जी हाँ, जमशेदपुर के बाहर कोल्हान क्षेत्र से आने वाले पहले खिलाड़ी होने के कारण समीर मुर्मू ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब में शामिल होने पर अपनी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें इंडियन सुपर लीग में अपने होम टाउन व कोल्हान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने पर बेहद गर्व है। उन्होंने कहा कि वह कोच और जमशेदपुर के लोगों को सामने खुद को साबित करने के लिए प्रशिक्षण में अथक परिश्रम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, तो यह है समीर मुर्मू, जिस प्रकार उनको अपॉर्चुनिटी मिला और जमशेदपुर जो है आखिरकार 2 साल के लिए उनको एग्रीमेंट किया, 2 साल के लिए देखने वाले हैं जेएफसी की टीम से। और जिस प्रकार कोच ने भरोसा जताया कि ये खिलाड़ी हमारी टीम से खेलने वाले, हमारे क्लब से खेलने वाले हैं, तो उसी प्रकार समीर मुर्मू ने भी कहा कि कोच और जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा जताया है मैं उस पर पूरी तरह से फोकस करूंगा, अपने 100% में देने का प्रयास करूंगा। उसी के साथ साथ जो जमशेदपुर वासी हैं उनको भी अपना प्रतिभा दिखाने का जो मौका मिला है उस मौके को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और अपना 100% मैं आप सबों को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये है समीर मुर्मू, जब एक आदिवासी लड़का भागा बांध के रहने वाले निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये एक आइडल बन चुके हैं। जी हाँ, और कहते हैं ना कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। निश्चित रूप से ये मेहनत करते गए और आखिरकार अब भारतीय टीम में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार उनका प्रदर्शन देखते हुए जमशेदपुर एफसी क्लब की टीम जो है उनको अपने पक्ष पर कर लिया, शामिल कर लिया है और इसी बीच जो है अब दिखने वाले हैं जमशेदपुर एफसी की ओर से। जी हाँ, इंडियन सुपर लीग में ये खिलाड़ी हम सबों को निश्चित रूप से एक अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाएंगे अपने आप के लिए और आगे बढ़े यही कामना करते हैं। तो आशा है दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सबों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।